नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी टेक्नो वर्ल्ड में, मेरा नाम विशाल। और दोस्तों आज की इस वीडियो हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं सैमसंग M12 मोबाइल फ़ोन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से। सबसे पहले तो दोस्तों ये रहा हमारा सैमसंग गैलेक्सी M12 का मोबाइल फ़ोन का बॉक्स, और इसको ओपन करते हैं। सो बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक कवर है, इसके अंदर देखते हैं क्या है। ज़्यादा नहीं दिया है, जस्ट कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स। ओके, एंड एक सिम इजेक्टर टूल, एंड दैट्स इट। ये रहा हमारा मोबाइल, जस्ट पकड़ में रखते हैं, अंदर देखते हैं। ये एक चार्जर दिया है हमको, जो कि 2 एम्पियर्स का चार्जर है। तो फास्ट चार्जर नहीं है, एक नॉर्मल चार्जर है। एंड ये रहा इसका केबल। सो एक USB-C टाइप का केबल दिया गया आपको। ओके, दैट्स इट, सिंपल एंड क्लीन बॉक्सिंग। ओके, आते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन की तरफ। सो ये सैमसंग गैलेक्सी M12 है, जो कि 6 GB एंड 128 GB का मॉडल है, जिसको हमने ऑर्डर किया है। एंड ब्लैक कलर में हमने इसको ऑर्डर किया है। सो सबसे पहली चीज़, फ्रंट में हमारे पास में एक 6.5 इंचेस का डिस्प्ले हमको मिलता है। उसी के साथ में एक 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। बैक साइड में अगर हम बात करें तो क्वाड सेटअप कैमरा हमको मिलता है, जो कि 48 मेगापिक्सल का है। उसके साथ में 5 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल के कैमराज हैं। राइट साइड में अगर हम बात करें तो हमारे पास में वॉल्यूम रॉकर बटन विथ पावर बटन, उसी के साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी पावर बटन के ऊपर इनबिल्ट है। लेफ़्ट साइड में हमारे पास में जस्ट एक सिम कार्ड ट्रे का स्लॉट है। सो इसको जस्ट रिमूव करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप 2 सिम कार्ड्स को लगा सकते हैं। उसी के साथ में एक SD कार्ड स्टोरेज के लिए भी यहाँ पे स्लॉट दिया गया है, मतलब कि आप यहाँ पे इसके अंदर आप स्टोरेज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। बॉटम साइड में USB-C टाइप का चार्जिंग पोर्ट, 3.5 mm का जैक के लिए पोर्ट एंड स्पीकर। टॉप साइड में एक माइक्रोफोन, दैट्स इट, सिंपल एंड क्लीन, कुछ और नहीं है इसमें। अब चलिए इसको मोबाइल फ़ोन को बूट करते हैं एंड चेक करते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा मोबाइल फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, एंड अगर इसका हम मैक्सिमम ब्राइटनेस देखें, सो ये इस मोबाइल फ़ोन का मैक्सिमम ब्राइटनेस है। सो ओवरऑल ब्राइटनेस ठीक है, अच्छा है। ओके, इसमें आपको One UI मिलता है, सैमसंग का One UI। सो थोड़ा सा स्टॉक एंड्रॉयड वाली आपको फीलिंग यहाँ पे आएगी, बट ये एक्चुअली एक बहुत ही मिनिमम UI के ऊपर रन कर रहा है, सैमसंग One UI। अब इसके साथ में अगर हम बात करें इसमें डिस्प्ले के बारे में, तो जो डिस्प्ले यहाँ पे TFT LCD डिस्प्ले के साथ में आता है ये, एंड एक यहाँ पे वी शेप का आपको नॉच देखने को मिल जाएगा टॉप में, जो कि फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में आता है। और दोस्तों अगर इस मोबाइल फ़ोन में कुछ और भी चीज़ों बारे में अगर हम बात करें, तो इस मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी है, तो एक बड़े साइज़ की आपको बैटरी मिलती है। इसमें जो आपको स्टोरेज मिल रहा है 128 GB का स्टोरेज मिलता है, 6 GB का रैम मिलता है, मतलब कि आपके एक नॉर्मल यूजेज के लिए मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा हो सकता है। बाय द वे यहाँ पे इनिशियल इंप्रेशन से हमको देखने को मिल रहा है काफ़ी सारे इसके अंदर ब्लोट एप्लीकेशंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको इन एप्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशंस डेली हंट की आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको अनइंस्टॉल यहाँ से कर दीजिए, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन आपका नथिंग बट जस्ट यहाँ पर रैम को कंज्यूम करते हैं, स्टोरेज कंज्यूम करते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगती है हर बार सैमसंग में, जब भी मतलब मैं सैमसंग कोई भी फ़ोन देखता हूँ तो उसमें हमेशा ब्लोट एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंड थिंग यहाँ पे जो इस मोबाइल फ़ोन में हमको देखने को मिलता है, साइज़ एंड थिकनेस वाइज थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा थिक है। प्लास्टिक बिल्ड बॉडी है इसका, सो अच्छा बिल्ड है, रिजिड है, बट देन टू थोड़ा सा थिकनेस इसका ज़्यादा है। एंड उसका रीज़न है 6000 mAh की बैटरी। सो यहाँ पे आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी,
उसकी वजह से यहाँ पे थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बट ओके है अगर आपको एक लॉन्ग बैटरी लाइफ की ज़रूरत है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन अगर 2 दिन तक आपको अच्छे से रन कर जाए एक चार्ज पे, तो ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट कर सकता है एक लॉन्ग बैटरी लाइफ के लिए। नेक्स्ट थिंग डिस्प्ले वाइज ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर मैं यहाँ पर जस्ट इसका एक स्पीकर टेस्ट करूँ, तो देखो ये इसका फुल वॉल्यूम है। तो दोस्तों वॉल्यूम वाइज इसमें इसका जो स्पीकर है एक सिंगल स्पीकर आपको देखने को मिलता है, कोई भी यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है इसके अंदर। सो वॉल्यूम इसका मोबाइल का थोड़ा सा कम लग रहा है। एंड एक बार इसका कैमरा टेस्ट भी कर लेते हैं। इनिशियल इम्प्रेशंस कैमरा का अगर हम देखें तो इनिशियल इम्प्रेशंस काफ़ी अच्छा लगता है। सो क्लैरिटी अच्छी है, शार्पनेस भी अच्छा है एंड कलर्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस्ड है। आउटडोर कंडीशंस के लिए अभी तो चेक करना पड़ेगा, बट इनिशियल इम्प्रेशन वाइज पोर्ट्रेट फॉर्म इसके अंदर दिया गया है। वो पोर्ट्रेट को भी चेक करते हैं। ओके सो पोर्ट्रेट जो इसमें फोटोग्राफी है वो भी अच्छी है, मीन्स कैमरा ओवर इन ऑल यहाँ पे अच्छा है। एंड अगर आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास में फुल HD के ऑप्शन है, HD का ऑप्शन है, 4K रेजोल्यूशन का ऑप्शन नहीं दिया गया इसमें। सो 30 FPS मैक्सिमम आप फुल HD में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट्स इट। इसमें और आप ज़्यादा इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। सो 4K रेजोल्यूशन में अगर आप करना चाहते हैं या फिर 60 FPS में करना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली उसके लिए मोबाइल फ़ोन नहीं बना हुआ है। सो ये मोबाइल फ़ोन एक्चुअल में एक बजट फ्रेंडली मोबाइल फ़ोन है, जहाँ पे आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ देखने को मिल सकता है इसमें। हाँ बाय द वे अगर मैं प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो प्रोसेसर इसके अंदर आपको जो मिलता है वो एक्जीनॉस 850 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है जो इसके अंदर आपको मिलता है। सो 850 एक्जीनॉस प्रोसेसर जो है एक नॉर्मल यूज़र के लिए बना हुआ प्रोसेसर है, मीन्स बहुत ज़्यादा अगर आप ज़्यादा एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं या फिर बहुत ही हैवी टास्क के लिए आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए तो आप इस मोबाइल फ़ोन को देन आपके लिए मैं रिकमेंडेड नहीं है ये, बिकॉज ये एक नॉर्मल एवरेज यूज़र के लिए बना हुआ है। एंड 13,000 का प्राइस है, अमेजोन पे करंटली अवेलेबल है। इनकेस अगर आप परचेज करना चाहते हैं फिर चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू इस मोबाइल फ़ोन का, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।